बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है वीट की, यानी गेहूं की, और वो भी तुर्की से। तो आपको बता दें कि तुर्की ने भारत से गेहूं मांगा है। दुनिया भर में भारत के कृषि उपज की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बीच पहली बार तुर्की ने भारत से 50,000 टन गेहूं मांगा है। भारत से गेहूं आयात करने वाले देशों में अब मिस्र के साथ तुर्की भी शामिल हो गया है। भारत के किसानों के लिए यह एक शानदार खबर है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे देश में गेहूं के भाव में और तेजी आ सकती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय गेहूं की अच्छी निर्यात मांग के चलते गेहूं के भाव 15% तक बढ़ चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन से कृषि उपज का निर्यात प्रभावित हुआ है और इस वजह से ग्लोबल बाजार में भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है। यूक्रेन दुनिया में हाई ग्रेड गेहूं का 5% और केल और कुल गेहूं का 7% उपजाता है। रूस यूक्रेन संकट के बाद से ही इस साल भारत में निजी व्यापारी किसानों से बड़े लेवल पर गेहूं खरीद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव बढ़ने की वजह से निजी व्यापारी किसानों को गेहूं का MSP से अधिक भाव दे रहे हैं। वहीं रूस और यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है और इस वजह से निजी व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने के मद्देनजर जमकर गेहूं की खरीदारी कर रहे हैं। इस साल मार्च में देश में पड़ी भीषण गर्मी की वजह से गेहूं की उपज पर असर भी पड़ने की आशंका है और इस वजह से भी गेहूं के भाव में तेजी आई है। भारत सरकार के मंत्रालय में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि पिछले हफ्ते ही तुर्की भारत से गेहूं आयात करने पर सहमत हुआ है। भारत के कृषि एवं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि APIDA ने कुछ दिन पहले तुर्की जाकर भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ाने की कोशिश की थी। तुर्की की सहमति के बाद इलेक्ट्रॉनिक मंडी एग्री बाजार में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं का ऑर्डर कन्फर्म कर दिया गया। इसके बदले 125 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वहीं एग्री बाजार के CEO का कहना है कि हम गेहूं के खरीदार और विक्रेता के नाम का खुलासा तो नहीं कर सकते। वहीं भारत के गेहूं का भाव कम होने की वजह से ग्लोबल बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट से गेहूं खरीदने के लिए कई इंक्वायरीज आ रही हैं। इनमें मिस्र, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के देश शामिल हैं। तो यानी कि अब उन देशों में तुर्की का नाम भी शामिल हो गया है जो भारत से गेहूं का आयात करेंगे। इससे भारतीय गेहूं के किसानों को तो फायदा मिलेगा कि उन्हें गेहूं के दाम और अच्छे मिल पाएंगे, लेकिन वहीं आम जनता को थोड़ी महंगाई का सामना और करना पड़ सकता है क्योंकि रोटी खानी और महंगी हो सकती है।